अगर आप देहरादून में कोई ऐसा पर्यटन स्थल देख रहे हैं जहां आप आए, परिवार के साथ समय बिताएं और प्रकृति का भी आनंद लें, तो आज आपको पंजाब केसरी ऐसे ही पर्यटन स्थल से रूबरू करवाने वाला है जहां परिवार के साथ आएंगे और अच्छा समय भी बिताएंगे। तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको दिखाएंगे वो पर्यटन स्थल। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लच्छीवाला नेचर पार्क के अंदर और हम आपको अब यहाँ पे दिखाना चाहेंगे ये सुंदर सा जो नज़ारा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सभी लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से तापमान में लगातार यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लेके जो सभी पर्यटक हैं, चाहे दिल्ली के हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक का, सभी जो लोग हैं वो अपने परिवारों के संग आए हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से यहाँ पे नहा रहे हैं क्योंकि जो पारा है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, गर्मी का जो तापमान में जो बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। अगर अमूमन आप बात करें 2 से 4 दिनों के अंदर की, तो देहरादून में भी तापमान काफ़ी बढ़ चुका है, गर्मी का सितम काफ़ी तेज़ है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने परिवार संग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हैं गर्मी का जो सितम है, तो उसको लेके सभी परिवार जो वाले हैं वो देहरादून यहाँ पहुँच रहे हैं नहाने के लिए। मेरा नाम वंदना है और मैं यही लोकल देहरादून से हूँ। और यहाँ पे आजकल गर्मियों के टाइम पे काफ़ी सारे टूरिस्ट और आसपास के तो घर आते ही हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे एडवेंचर या फिर झूला, ये सब चीज़ों की व्यवस्था है। और आगे यहाँ से थोड़ा आगे जाके वहाँ पर बोटिंग का भी है। ये जो लच्छे वाला है या देहरादून में काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स हैं जहाँ पे बच्चे बहुत सारे इन्जॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं, इसलिए सब यहाँ पिकनिक स्पॉट्स के लिए हम समर वेकेशन में मोस्टली यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है जिसके लिए हम यहाँ सब नहाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ क्राउड को देखकर बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड पिकनिक पॉइंट। तो हम यहाँ पर करीब 6-7 साल बाद आए हैं, बड़ा अलग सा फील हो रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर तो ख़ास सारी चीज़ें हैं, पर सबसे ख़ास जो है वो है आपका गुपचुप पानी जो होता है, ये सबसे ख़ास है। और यहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा है, लास्ट नाइट हमें रूम भी नहीं मिला। सर इसमें 80 रुपये एक अडल्ट एंट्री है, उसमें हमने इसका म्यूजियम इंक्लूड किया हुआ है और इसमें जो नहाने का है वो पार्क से बाहर बना हुआ है, उसका हम कोई फीस नहीं लेते हैं। खाली पार्क की एंट्री हमने 80 रुपये अडल्ट रखी है और जिसमें 10-12 साल से बच्चे की कोई टिकट नहीं लगती है। तो आपने पंजाब केसरी की इस खास रिपोर्ट में देखा कैसे हमने अपने दर्शकों को आज लच्छीवाला नेचर पार्क से रूबरू करवाया और किस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि जो पर्यटक हैं दिल्ली, NCR, गुजरात से या अन्य स्टेटों से यहाँ पे आ रहे हैं, परिवार संग आनंद ले रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे तादाद यहाँ पे देखने को मिली नेचर पार्क में। और सबसे बड़ी बात, जो प्रकृति का भी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, हरे भरे पेड़ों के बीच में यहाँ पे जो नहाने का जो स्थल है और जो पर्यटक यहाँ पे नहा रहे हैं उससे जो पर्यटक हैं उनके चेहरे भी यहाँ पे खिल उठे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो जून का जो पीक टाइम है और जो बच्चों की यहाँ पे छुट्टियाँ रहती है, तो इसलिए भारी संख्या में यहाँ पे जो पर्यटक यहाँ पे आ रखे हैं। और अगर आपका भी मन कर रहा है देहरादून में आने का, तो देहरादून में जल्द आइए और लच्छीवाला नेचर पार्क का आनंद उठाइए। देहरादून से आशीष अमोला, पंजाब केसरी।